संयुक्त किसान मोर्चे वालों अज रसोई गैस ते डीजल पेट्रोल दियां वधियां होईयां कीमतां दे खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 तो 12 बजे तक यह 2 घंटे का शांतमई प्रदर्शन हैगा। इस वक्त गलबात करने वास्ते मेरे नाल हैगे ने प्रोफेसर मनजीत सिंह। प्रोफेसर साहब, अज का जो तुहाडा रोस हैगा अपना 32 बार कीमतां बढ़ चुकियां ने मार्च तो बाद, जे आपां गल करिए डीजल ते पेट्रोल दियां, आम आदमी की किल्लत हैगी है क्योंकि आम आदमी ने जां कमर्शियल जिन्नी भी एक्टिविटी है वो सारी डीजल पेट्रोल ते होनी है, की तुहाडा कहना इहदे बारे? जिस सरकार ने फेल होना होवे, जिस सरकार ने अपनी सत्ता नूं धूल विच रोलना होवे, तां उहदे लई सब तो सौखा तरीका यह हुंदा डीजल दियां पेट्रोल दियां ते गैस दियां कीमतां वधा दो। ये उन्हां ने एक बहुत ही आत्महाती कदम है। इस तो जे पिछे कदम ना किते मोदी सरकार ने तां फिर मैनूं लगदा कि ये लोग जिहड़े आ आउण वाले समय च यूपी उत्तराखंड ते 5 सूबियां दीआं चोणां दे विच धूल चटा देणगे। ये इन्हां ने अजे भी पछमी बंगाल तो सिखिया नहीं। पछमी बंगाल दे विच हार दा एक कारण यही इन्हां दीआं नीतियां, इन्हां दीआं पालसियां, इन्हां दी सोच लोकां नूं कमजोर करदे, लड़ाउंदे आ धर्म दे नां ते जात दे नां ते, उह सारियां नूं रिजैक्ट करके उन्हां ने दस्सता कि मोदी तूं अजित नहीं, असीं तैनूं जित सकदे हां। अज जिहड़ा आ सिलेंडर लटकाया होया एक किसान गुरबत दे विच किवें अपने आप नूं फांसियां ला के पिंडां दे विच फाहा लै रहे आ, आत्महत्या कर रहे आ। अज ये उन्होंने सिंबोलिकली इत्थे दे किसान वीरां ने दस्या कि महंगाई दे दौरान यह सिलेंडर जिहड़ा वो साढ़े वसों बाहर आ, ये अज आत्महत्या कर चुका, ये खत्म हो चुकी साढ़े सिलेंडरां चों गैस। पर इस गल का भी प्रतीक है, मोदी जी नूं मैसेज भी है कि आ जिन्ने लोग खड़े सड़कां ते इन्नी गर्मी दे विच झंडे चलाउंदे बुलंदी दी आवाज़ च लगातार 7.5 महीनों तो इत्थे खड़े ते अपनी आवाज़ तुहानूं सुनाउण दी कोशिश कर रहे आ, तुहाडियां सरकारां दा भविख इहो जिहा कर देणगे। इस लई ये वार्निंग हैगी आ उहनां नूं सोचणा चाहीदा कि जे तुसीं साडे नाल इह करोगे तां फिर तुसीं भी उसे राह दे विच साडे नालों किसे अलग रस्ते नहीं, उसे राह दे विच बिखड़े राहां ते चलोगे, असीं तुहानूं अपने ते राज करन दे काबल नहीं रहण दे। प्रोफेसर साहब, कितना यह तर्क नाल जोड़ के देखा जा रहा है कि जदों दा अंदोलन शुरू होया 7 महीने का उदों तो सारे टोल टैक्स बंद पए ने, भी जो केंद्र सरकार नूं एक आमदन सी वह किसानों ने बंद कर दिती आ, सो इस चीज़ नूं कितना कितने जोड़ के देखा जा रहा भी हुण डीजल की खपत ज़्यादा हैगी है, पंजाब दे विच झोना बीजा जाना हैगा, तो यह सारिया चीज़ों तो भी अपना रेवन्यू पूरा करना चाहती है केंद्र सरकार, तुसीं सहमत हो इहदे नाल? जिथों रेवेन्यू करना क्यों नहीं लाते, साड़ी टैक्स प्रणाली साढ़े देश पैसा नहीं आती, सब तो व्डे दुनिया के प्रसिद्ध व्डे, तुहानू पता पिछले 10 सालों के अंदर 2.8% 2.8% साडा जिहड़ी टोटल देश की GDP है उन्ना प्रॉफिट कमाया, और पिछले 10 सालों च सब तो ज़्यादा पिछले साल का प्रॉफिट कमाया कारपोरेटा ने, हद हो गई है। ऐ लोगों के चुल्हे ठंडे होण, उधर पैसा कमाया जा रहा हो, किथे पैसा नहीं है, जिथे पैसा है उत्थे टैक्स लाओ, इन्हां गरीबों के ढिड दा लत मार के तुसीं लोगों के चुल्हे ठंडे करके तुसीं सरकारां चलाओगे, सरकारां बंद कर दें, सानूं लोड़ ही नहीं सरकार, लोग अपने आप कर देणगे। असीं हर चीज़ ते टैक्स दिंदे आ, एक लूण खरीदण वाला, मिर्च खरीदण वाला, सिगरेट का पैकेट खरीदण वाला, कोई दारू खरीदण वाला, आटा दाल चौल जिन्ना भी जो भी कोई खरीदता है हर एक पे टैक्स लगता, GST लगता। जब तुहानू इन्ना पैसा हर बंदा गरीब तो गरीब दे रहा, तुसी उहदी मिसमैनेजमेंट आ, तुसी लुट्टां करदे अपना, तुसी 1000-1000 करोड़ रुपये का जहाज लैंदे आ ते लोगों के कोल सैकल भी टुट्टा पंचर लवाउण जोगा है नहीं, ये वखरेवा इन्हां लोगों के प्रति जिहड़ा बेदिली जिहड़ी वह चंगी नहीं हुंदी, लोगों का अंत होगा इस अति दे विच्चों, वह निकल के इन्ने गुस्से दे विच लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। पर मैनूं बड़ा अफसोस आ कि जदों GST सारे देश लाया, एक संविधान, एक जमान, एक कानून सारा कुछ करते हैं साढ़े, तो फिर ये 28% ला लेंगे वो तो वे, 58% क्यों लाया बी, ये 30% वध क्यों लाया उन्हूं, इस करके जिहड़ी तुसीं गल कहिंदे हो बिल्कुल वाजिब नहीं है, ये तो लुटिया शरेआम लुटिया। प्रसाद, तुसीं टैक्स प्रणाली की गल की है, जे आपां पेट्रोल की गल करिए 62% के करीब वो टैक्स हैगा, जिहदे चों कहिंदे ज़्यादा जिहड़ी शेयर हैगा वह स्टेट गवर्नमेंट का भी हुंदा, तुसीं स्टेट गवर्नमेंट नूं भी नाल मानदे हो? ज़्यादा नहीं है, घट है, वैट है, पंजाब दे विच वैट काफ़ी लिया जाता, वैल्यू एडिड टैक्स जिहनूं कहिंदे आ। पहलां एक तुसीं देखो कि जिहड़ा GST सेंट्रल टैक्स हैगा,
और वो टैक्स इन्ना ज़्यादा कि सरकारों सूबिया दिन 41% मुड़ता 59% तो सेंटर रख जाता सेंटर का की खर्चे है जी सूबिया के सारे ही खर्चे है तुम उन्होंने 41% सारे खर्चे पूरे करने लिए कहने आप तुम 69% जेड़े आ पैसा रख के फौज का कड़ लो डिफेंस का कड़ लो कितने खर्च कर दे अपनी आशा उशरत कर दे लोगों वड्डिया देने लिए लोगों को धोखा देने लिए लोगों को ब्राइब करने लिए पैसे देने वेस्ट करते हैं उन्होंने चंगे ढंग नहीं वरतते सरकारां सूबियां दियां भी उन सेंटर नालों घट नहीं उन्हां च भी नुक्स बहुत आ पर उन्होंने दबिया तो कुचलिया इन्ना जितना वड्डी सरकार छोटी नूं मारदी आ वड्डा देश छोटी नूं मारदा वड्डी मच्छी छोटी मच्छी नूं खांदी है इस मजबूरी च इन्हां दियां एक पासे ते सरकारां दियां सूबियां दियां मिसमैनेजमेंट मिस गवर्नेंस है जिस तरीके इन्हों टैक्स सामना चाहिए लाना चाहिए नहीं ला रहे पर दूजे पास इन्हों की एक मजबूरी भी है कि सेंटर एड्डा वड्डा हिस्सा लोगों के टैक्स का सेंटर नू लै जांदा आ कि उहदे च बाकी सूबे को कुछ बचता नहीं तो वह फिर होर परने वांगू निचोड़ के लोगों का जिहड़ा जितना खून आ वह कुछ सेंटर लै जांदा कुछ सूबे लै जांदा मेरा आखिरी सवाल है प्रोफेसर साहब कि सरकार जिस तरह रिजड हुई हुई है कानून रद्द नहीं कर रही एक अड़ियलपना सरकार का सामने आ रहा उस चीज़ को लैके हुण इसे राह ते तुर पई आ पेट्रोल डीजल गैस की गल करिए आपां की लगता तुहानूं वे आउट किसान अंदोलन का रस्ता अगे कि पैंदा औखा लगता सच्ची गल दसा मैनू बिल्कुल देश के अंदर यहोजे हालात लगते हैं जिवें फ्रांस के 1799 का इनकलाब आया कि जिन्हों फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते फ्रांसीसी इनकलाब यही हालत सी जिहड़े राज करदे लोग सी उन्हां नूं ये नहीं सी पता वो राणी नूं पुछिया कि बाहर किसान खड़े आ ये कहिंदे भुखे आ रोटी नहीं की खाइए वो कहिंदी जे रोटी नहीं तो केक खा लैन उन्होंने ये पता ही नहीं इन्ने लोगों टुटे हुए सी राज करने वाले लोग कि इन्हों को तो कुछ है ही नहीं तू केक खाने की गल करती है वो यही हालत साढ़े इतने रजवाड़े लक जे राज करते लोग आ और उस ही हालात जिस तरीके ना फ्रांसीसी इनकलाब आया सी साढ़े देश के अंदर पैदा हो रहा तुसी देखो कि तीन कानूनों तो गल चली फिर वो ऐड हो गई जिहड़ा बिजली वाला लिया चाहते थे पोल्यूशन वाला लिया चाहते थे वो ऐड हो गया उदों बाद हुण ये महंगाई का हो गया गैस का डीजल का हो गया ये करद्या करद्या आम लोगों की वड्डी थल्लों एक लहर बनूगी जिहदे नाल कल्ला बीजेपी नहीं कांग्रेस आए कोई भी आए हर राज करदी शक्ति नू अपना सबूत देना पऊगा इम्तिहान देना पऊगा कि वो लोगों की सेवा सही माने च करेंगे लुट्टणगे नहीं इस गल का इम्तिहान लैके ही लोग वोटा पाउणगे अज सारे पंजाब दे विच इक वड्डी मूवमेंट चली है उहदा नां है जवाब दो हिसाब दो ये मूवमेंट असी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और लोग जिहड़ा भी उत्थे जांदा पिंड च जांदा जिहड़ा भाषण देण जांदा उह कहिंदे इधर आ तैनूं वोटां दे पाउणे आ पहिलां ये दस भी अजे तक कीता की तू ये जिहड़ा जवाब दो हिसाब दो वाली जिहड़ी मूवमेंट आ लोग हुण जुत्तियां नहीं घसाउणगे इन्हां दे झांसियां च नहीं आउणगे इन्हां दे झूठे वादियां च नहीं आउणगे और इस किस्म नाल जिहड़ी वड्डी देश दे विच थल्लों ग्राउंड स्वैल थल्लों एक वड्डी मूवमेंट उठ रही है इहदा देश दे विच साडी डेमोक्रेसी नूं मजबूत करन च इनू एक्चुअल ढंग दे विच असल मानिया दे विच फंक्शनल करन च सुहिरद बनाउण दे विच बहुत अहम भूमिका होगी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने वास्ते प्रोफेसर साहब सो एक बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट हैगा अज देखने मिल रहा तुसी देख सकते हो कि सामने जो नौजवान है बड़ी संख्या के बैठे ने नारेबाजी हो रही है एक शांतमई रोस प्रदर्शन हैगा यह शांतमई रोस प्रदर्शन हैगा जिहदे विच ना कोई ट्रैफिक जाम किया जा रहा तो ना ही किसी होर तरह की हिलजुत की जा रही है तो रसोई गैस नाल जुड़िया जिहड़ा मसला हैगा वह लेडीज़ का मसला हैगा क्योंकि इन्हां दी मैनेजमेंट हुंदी है सो इन्हां नाल गलबात करके देखते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ इन्हां दे मन दे विच की कुछ चल रहा है क्योंकि 25 रुपये जो रसोई गैस है वह पर सिलेंडर महंगी हो चुकी है हाँ जी बीबी की कहना है अज रसोई गैस महंगी करती मोदी ने पुत इन्नी तो महंगे करते मोदी को क्या कहना चाहिए मोदी का असं सारे पासे तो मारते उधर तो जोड़े साढ़े कमाने वाले हैं जी और दिल्ली च बिठाते ठीक है उधर जोड़े महंगाइयां करते हैं जी 200 रुपये की बोतल तेल की करती 900 रुपये पौने 900 रुपये का सिलेंडर करता जी गरीब बंदा साढ़े वर्गा कितों खाऊगा जी कितों तो करूँगा कोई रुजगार नहीं दे रही जी सरकार साढ़े BA MA पास बच्चे साढ़े सड़कों पर रुलते फिर रहे हैं जी बच्चों नूं मर गए असी इन्ने इन्ने खर्चे करते जोड़े घर च बैंक बैलेंस से वह असी अपने बच्चों के खर्च करते कोई डिग कुछ करा कद कुछ करा उन्होंने नौकरियों बेचारों फिर नहीं मिल रहे असी तो सरकार कुत्तियां सरकार ने चारों पासों बेरोजगार करते जी अगे नूं फिर वोट पाउणी नहीं मोदी असी मोदी का असी वोट किसी भी नहीं पानी जी मोदी की किसी भी वोट नहीं पानी हैगी असी अके पे हाँ जो साढ़े बच्चे
सड़कों पर रुलते हैं माँ माँ तो कितने देखे जाने हूँ तुम जे बेचारे शहीद हो रहे हैं दिल्ली देखो तुम किन्ने शहीद होए ने ये भी साढ़े ही बच्चे ने जिन्हों के बच्चे शहीद हो गए वह मावा मंजा तो नहीं उठ रही आराम तो घर बैठा अं अनपढ़ बंद हाँ जी असी तो सू पढ़े लिखे वगो ज्यादा गल करनी नहीं आती ठीक है ना अस तो मोदी को कहने मोदी का ही बेड़ा गर्क होएगा जिन्नी महंगाइया की गरीब जनता का तो उन्हें जमी तो बेचारे मजबूर करते फांसियां लैन जी हूँ तो फांसियां लेनिया पैनगियां जी साढ़े वर्गियां नूं तां बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये सन लेडीज जो कि पूरी तरह रोस के भरिया हुई बैठिया ने कि पहला तो ही जो अंदोलनकारी किसान ने वो पिछले कई महीनों तो दिल्ली दे बरूहों पर बैठे ने तो उन्हां बारे कोई फैसला नहीं हो रहा बच्चों नौकरियां नहीं मिल रही उपरों तेल पेट्रोल दी कीमत बढ़ा दित्तियां गईयां तो हुण रसोई गैस दी कीमत ने जिहड़ियां वह भी बढ़ा दित्तियां ने जिहड़ा आम लोग है ये अज करोना के कारण पिछले 14 महीने तो त्रस्त हैगा लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं लोगों का व्यापार हैगा जो वो खत्म हो चुके हैं लोगों दी सैलरियां अद्धियां रह गईयां ने अजिहे विच महंगाई नूं इन्ने वड्डे रूप दे विच उभार के लोगों नूं तंग करना कोई बहुत वड्डी यह वधिया गल नहीं है केंद्र सरकार वास्ते। सो उन्होंने सोचना चाहिए आम लोगों वास्ते कि इन्हां नूं किसे ना किसे रूप दे विच असी इन्हां नूं सौखे करिए ते तेल दीआं वधिया हुई कीमत रसोई गैस दीआं वधिया हुई कीमतों नूं वापस लईए। कैमरामैन सोनी दे नाल सुशील गर्चा दैनिक सवेरा मोहाली। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है रूहानी और काली शक्तियां दी मालकन दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे को है मेरे किते नू कोई कट नहीं सकता काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे वस दी गल नहीं परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत जां नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो तो हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।